छुपाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का जो मैंने कोर्स बनाया था उस पे मुझे कितना पैसा यूट्यूब ने दिया था। सीधा सीधा आपको रेवेन्यू में लेके चलता हूँ। इस बात के लिए लाइक तो हो जाए गाइस, क्योंकि सुना होगा कि इंडिया में यूट्यूब चैनल से इतनी कमाई नहीं होती, यूएस में होते तो 20 गुना कमाई कर लेते। लेकिन दोस्तों आज मैं ये मिथ तोड़ने वाला हूं। दोस्तों ये बात तो सही है कि हर कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकता। कहने का मतलब है कि जो सुपरस्टार्स हैं या फिर जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, वही पैसे कमा पाते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज मैं ये चैनल आइडियाज बताने वाला हूं, इवन जो टॉपिक्स बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स पर पता है इंडिया में ही आप यूएस की जितना कमाई कर सकते हो, कम व्यूज में आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और ये कैसे होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूं, और साथ ही साथ आपके सामने प्रूफ्स भी प्रस्तुत करूंगा। उन प्रूफ्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, सतीश भाई जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। और इसी बात पर मैं बोलूंगा कि सतीश के वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। फ्री है, सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करेंगे हाई सीपीएम यूट्यूब चैनल आइडियाज। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रखना चाहूंगा आपके सामने, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो है मनी, हमको कम व्यूज में ज्यादा पैसे कमाने हैं। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। देखो अगर आपको पैसे नहीं कमाने तो संदीप माहेश्वरी बन जाएंगे। तो अल्टीमेट जो हमारा है पैसा है, उसके साथ साथ आप एक पर्पस डिफाइन करिए कि आप जो यूट्यूब चैनल बना रहे हो क्यों बना रहे हो, पैसे के साथ साथ। बट हम सीधा सीधा मुद्दे पर हम आते हैं, हमें ज्यादा पैसा कमाना है, कम व्यूज पे भी ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि हर कोई सुपरस्टार नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। कुणाल शाह ने भी बोला था कि हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, कुणाल शाह जो अपने क्रेड के फाउंडर है। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से हर कोई पैसे नहीं कमा सकता, बट कम व्यूज में ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। अल्टीमेटम हमारा क्या है, मनी। अब ये पैसे देता कौन है, यूट्यूब देता है? नहीं, यूट्यूब नहीं देता। मैं बताता हूँ, ये देखो, ये आप हो, बुढ़वा हिलाता हो, आपको कौन पैसे दे रहा है? हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग पर चलते हैं। उसके बाद आपको कौन पैसा दे रहा है, यूट्यूब। यूट्यूब पैसे दे रहा है कि आप कंटेंट बना रहे हो, तो यूट्यूब बोलता है ले भाई थोड़ा दो पैसा तू भी रख, लेकिन चवन्नी से काम चलेगा नहीं चलेगा। यूट्यूब को कौन पैसा देता है, यूट्यूब को पैसा देता है ब्रांड। बड़े स्मार्ट सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को पता होगा, एडवर्टाइजर्स देते हैं। अब देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए मैंने किया कि अरे हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे को पैसा कौन दे रहा है, यूट्यूबर को पैसे कौन दे रहा है, तो ब्रांड दे रहा है, यूट्यूब नहीं दे रहा है। यहां पर समझने वाली एक बात है, आपको जब ब्रांड पैसा दे रहा है तो क्यों ना हम ऐसा कंटेंट बनाए जो ब्रांड को पसंद हो। ब्रांड हर तरह के कंटेंट पे पैसे नहीं देता। आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार किसी किसी वीडियो पे मिलियंस व्यूज आते हैं और चवन्नी मिलता है, और किसी वीडियोस पे हजार व्यूज आते हैं और $8, $10, $15 तक मिलते हैं। इंडिया में ही मिलते हैं, हिंदी वीडियोस पे मिलते हैं। जो मिथ बना हुआ है सालों से कि यूएस में टारगेट करो तो बहुत पैसा कमाओगे, बट मैं आपको बता दूं, आपका भाई यूएस टारगेट नहीं करता है, इंडिया में ही बहुत पैसे छापता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसी बात पर लाइक हो जाए, ठीक है। तो देखो, अब हमें ऐसा कंटेंट हम बनाए जो व्यूवर को तो रास आए, माफ करिएगा हमारी हैंडराइटिंग बोर्ड पे अच्छी नहीं है, कॉपी पे बड़ा सुंदर लिखता हूं, जो व्यूवर को रास आए उसके साथ साथ ब्रांड को भी रास आए। हमें ऐसा कंटेंट बनाना, और वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह के कंटेंट बनाने चाहिए जो ब्रांड को भी पसंद आएंगे प्लस व्यूवर को भी पसंद आएंगे। और इसमें क्या है, व्यूवर ज्यादा नहीं है बट पैसे बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो, शेर शायरी वाला आप बना लोगे चैनल, व्हाट्सअप स्टेटस वाला बना लोगे, क्या होगा उससे? जब आप इस तरह का कंटेंट बनाओगे जिससे व्यूवर को भी फायदा मिल रहा है, ब्रांड को भी फायदा मिल रहा है, तो आपको वैसे ही फायदा मिलेगा। तो यहां पर सब कोई विन विन सिचुएशन में है, और हाँ, यूट्यूब भी बड़ा खुश होगा, तो ये चारों लोग बहुत खुश रहेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहे, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहला जो निश की बात करते हैं, जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, जो आइडिया है, चैनल आइडिया है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे बहुत होशियार सब्सक्राइबर हो, कई लोग डाउनलोड कर लिए होंगे वीडियो को। तो हम आते हैं पहले निश पे, वो है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग। ओके गाइस, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम समझते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको पता होगा, मैं इसका डेफिनेशन नहीं देने वाला हूं, बट मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा निश है, ऐसा टॉपिक है, इस पे पैसे बहुत भर भर के मिलते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, मैं अभी आपको लैपटॉप पे ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा अफिलिएट मार्केटिंग वाले वीडियोस पे मिलते हैं। अब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज भी बनाए हैं, तो इसका आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग पे मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं,
तो अफिलिएट मार्केटिंग टॉपिक पे आप किस तरह के वीडियोस बना सकते हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग सिखा सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, अफिलिएट नेटवर्क्स क्या होते हैं, कौन कौन से अफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए, इंडिया में बेस्ट कौन सा है, अमेरिका में बेस्ट कौन सा है, यूके में कौन सा बेस्ट है। ओके सो दोस्तों, अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग वाले टॉपिक्स पर कितना पैसा देता है यूट्यूब। आपको मैं प्रूफ के साथ बातें करूंगा, छुपाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूं मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का जो मैंने कोर्स बनाया था उस पर मुझे कितना पैसा यूट्यूब ने दिया था। सीधा सीधा आपको रेवेन्यू में लेके चलता हूं। इस बात के लिए लाइक तो हो जाए गाइस, क्योंकि ऐसा प्रूफ आपको और कहीं नहीं नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एनालिटिक्स आपके सामने खोल दिया, 422,000 व्यूज है और लगभग $3,000 है, 2892, मतलब 3,000 में सिर्फ $108 कम है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अराउंड ये होते हैं 2.5 लाख के आसपास। अब गाइस अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें कि 1,000 व्यूज पर हमें कितना हुआ, तो लगभग हुआ $7 से ज्यादा का आरपीएम, $7.5 का आरपीएम, मतलब कि $7.5 सिर्फ 1,000 व्यूज में, कहीं नहीं मिलेगा ये आरपीएम। ये हिंदी में वीडियो है, इंग्लिश में नहीं है, यूएस में टारगेट नहीं किया मैंने, इंडिया में मैंने बनाया। और ये मिथ अगर टूटा है तो इस बात पर लाइक हो जाए। अब सेकंड निश पे आते हैं, और दोस्तों ध्यान रहे, जितने भी निश बता रहा हूँ ये सब फ्यूचरिस्टिक है, इनका अभी सैचुरेशन पॉइंट अभी नहीं आया, अभी इन पर बहुत कंटेंट बनने बाकी है, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं और आप करेंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। सेकंड जो आते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो NFT वेब 3.0। ओके सो क्रिप्टो के बारे में आपको नॉलेज होगा कि क्रिप्टो जब से बिटकॉइन वगैरह बहुत ही नाम हो रहा है, क्रिप्टो का बड़ा बूम है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले। आप समझ सकते हो कि इंडिया में इसकी मार्केट कितनी बड़ी बढ़ चुकी है और यूएस में सेकंड नंबर पे आई थिंक। तो क्रिप्टो का जो मार्केट है इसमें क्रिप्टो के बारे में ढंग का यूट्यूब चैनल बहुत कम है, ना के बराबर है। इवन वही लोग क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं जिनका ऑलरेडी किसी और टॉपिक पे चैनल है और क्रिप्टो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको ब्लॉग्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे लेकिन YouTube चैनल हिंदी में बहुत कम है। और क्रिप्टो में क्या है कि जितने भी ब्रांड्स हैं क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत दबा के पैसा खर्चा करते हैं, एकदम रेलम रेल इतना पैसा कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 साल में क्रिप्टो में जो काम कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल जा सकता है। इवन पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो भाई 1,000 गुना 10,000 गुना इतने ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन क्रिप्टो पे कंटेंट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पैसे कमाने के जो तरीके हैं, यहाँ से अफिलिएट कर सकते हैं। अब अफिलिएट देखिए, यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि क्रिप्टो में अफिलिएट कैसे करें। ये जो भाई साहब इसको चुनेंगे उनके लिए भी कंटेंट आइडिया मैं दे देता हूँ। बाकी इसमें जो पैसे कमाने के तरीके हैं, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ में एसोसिएशन आपका हो सकता है, और यूट्यूब का जो CPM है बहुत हाई है। तीनों तरीके से, मतलब भाई आपके तीनों हाथों में लड्डू, नहीं दोनों हाथों में लड्डू। और क्रिप्टो के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए क्वाइन स्विच के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है इतना बढ़िया है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि आज ही अगर आपने अकाउंट बनाया तो आज से ही आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। क्वाइन स्विच कुबेर नाम है इसका, ₹100 से मात्र आप शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। और जैसे अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ₹50 का आपको बिटकॉइन मुफ्त मिल जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप 85 से ज़्यादा क्वाइंस हैं जहाँ पर आप उसमें पैसे निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया में सिर्फ क्वाइंस विच कुबेर के पता है आपको कितनी ऑडियंस है, जो रजिस्ट्रेशन से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ सिर्फ क्वाइंस विच कुबेर को यूज करते हैं। रीज़न वही है, बहुत ही सिंपल है इसका इंटरफेस। इवन मैं खुद जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ क्वाइंस विच कुबेर के थ्रू करता हूँ, और फिलहाल अभी मैंने कुछ क्वाइंस में मैंने निवेश करके रखे हुए हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि यार ये बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ये गेम है, और यहाँ पर आपको पैसे डालने से पहले आपको ये सोचना होगा कि अगर पैसे मेरे माइनस हो जाते हैं तो मेरा पीस ऑफ माइंड बरकरार रहे, आपको मतलब बेचैनी नहीं होनी चाहिए। तो पैसे उतने ही डालो जितना अगर आप खो जाए, जितना मतलब लॉस हो जाए तो टेंशन ना हो, बट यहाँ पर रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई रहता है। तो जब क्रिप्टो में लाइक क्रिप्टो से अगर आप क्या बोलते हैं अपडेट रहोगे, तो जैसे ही मार्केट में डिप आता है आप थोड़े बहुत पैसे डाल दो, और थोड़ा अगर पंप होता है तो थोड़े बहुत पैसे निकाल लो। ये स्ट्रैटेजी मैं अपनाता हूँ, फिलहाल आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अराउंड ₹50 का बिटकॉइन भी मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वाइंस विच कुबेर ऐप आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, और क्रिप्टो NFT वेब 3 के बारे में अगर आप चैनल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पैसे कमाने के लिए ये तीनों तरीके हैं। चलिए अब मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर क्रिप्टो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो किया था हर्ष अग्रवाल सर के साथ में,
जो काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। अगर आप बिगिनर हैं क्रिप्टो में तो वीडियो जरूर देखिए। अब उस वीडियो पे हम बताते हैं आपको, अराउंड 4,68,000 व्यूज है और मिले हैं $1,700 $1,750 जो लगभग होता है 1,000 व्यूज पे $4 के आसपास, $4 का आरपीएम है जो ब्लॉग्स पे मिलते हैं। अब आप बात करोगे यार ये भी इंडिया में ही है, मैंने भी हिंदी में बनाया, अब बताओ मिथ टूटा कि नहीं टूटा। मैं हर एक चीज प्रूफ के साथ बात करूंगा, तो वीडियो पे आप बने रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा निश है उसके ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट निश के बारे में बात करते हैं, वो है इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। अब देखो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग तो दोनों काफी अलग अलग निश हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग काफी अलग है, ट्रेडिंग काफी अलग है, उसके लिए अलग माइंडसेट चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए अलग माइंडसेट चाहिए। सिंपल शब्दों में समझे तो इन्वेस्टिंग को हम बोल सकते हैं प्रांजल कामरा सर, और ट्रेडिंग को बोल सकते हैं विवेक बजाज सर। और दोनों देखो, दोनों कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं वो लोग, तो आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग अगर आपको नॉलेज है या फिर आप सोच रहे हो कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊंगा, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पे पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं, किन किन तरीकों से कमा सकते हैं, सबसे पहले नंबर तो यूट्यूब का जो CPM है बड़ा हाई है, $2 से कम तो मिलेगा ना आपको, $2 से $3 पर 1,000 व्यूज तो आपको आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलने वाली कंपनीज के साथ में आप पार्टनर बन सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करवा के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आप इनफैक्ट आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्रेड करवाओगे तो आपको ब्रोकरेज मिलता है और ब्रोकरेज से आप बहुत पैसा छापोगे। इवन मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि मेरे को ब्रोकरेज कितना मिलता है, मैंने प्रूफ दिखाया भी था मेरे पैसिव इनकम वाले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। और ट्रेडिंग में ही अगर हम भयंकर ट्रेडिंग की बात करें तो आप ले सकते हैं पावर ऑफ स्टॉक्स को, भैया एक एक दिन में करोड़ करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं, तो वहां से आपको प्रेरणा मिल सकती है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी देखो पेनिट्रेशन कितना है, सिर्फ 5% लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर 50% जिस समय पहुंचा, मतलब इसका 10 times, सोचो कितनी ऑडियंस होगी यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स लगभग 2010 के बाद से काफी बूम पर है और अभी भी बूम पर है, और ई-कॉमर्स पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा CPM मिलता है। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कितना तगड़ा CPM मिलता है। अब ई-कॉमर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे मान लो Amazon, Flipkart तो ई-कॉमर्स के पार्ट ही है, इसके साथ साथ में कैसे ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, Shopify पे कैसे बनाना है, WordPress पे कैसे बनाना है, इसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड कैसे सेटअप कर सकते हैं और वहां से पैसे बना सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड काफी अभी भी काफी बूम पर है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड से पैसे कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोन या फिर इंश्योरेंस वाले वीडियोस। इंश्योरेंस पे तो एडसेंस के जो CPC होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब लोन में देखो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, होम लोन आ जाता है, ऑटो मतलब कार लोन आ जाता है, या फिर लाइक बहुत सारे लोन्स आ जाते हैं, पर्सनल लोन आ जाते हैं, एजुकेशन लोन आते हैं, इन सब के बारे में आप एजुकेशन दे सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हो कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए कौन सा इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट बन सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मेडिक्लेम, मतलब ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और अभी भी प्रॉपर डेडिकेटेड कोई चैनल नहीं है। अभी देखो जितने भी नेशेज में बता रहा हूँ ये माइक्रो निश है, और माइक्रो निश पे क्या होता है ना कि एक जब टारगेट ऑडियंस आती है तो पैसे बहुत ज़्यादा कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखो इनमें से मैं किसी एक टॉपिक पर मैं खाली वीडियो बनाता तो मैं ज़्यादा पैसे बना पाता था। अभी जो $2-3 का जो RPM दिख रहा है ये $10-$10 तक पहुँच सकता है, क्योंकि वो मेरे पास टारगेटेड ऑडियंस होगी। अभी फिलहाल ये मेरा पूरा मिक्स है, मैं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इंटरव्यूज भी करता हूँ, तो ये थोड़ा सा मिक्स है मेरा, फिर भी काफ़ी डिसेंट RPM मिलता है। नेक्स्ट अनिश की बात करें तो वो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रिव्यूज़, प्रॉपर्टी के बारे में लोग बताते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं, इस पर भी काफ़ी तगड़ा RPM होता है। इस पर तगड़ा RPM इसलिए होता है कि यार देखो जो रियल एस्टेट पहले इतना ऑनलाइन नहीं था, जब से ये ऑनलाइन आया तो यहाँ पर एड्स चलने लगे, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी ओनर हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स पे पैसे खर्च करने लगे, क्योंकि यहाँ से लीड्स इजीली मिल जाता था, लोग वीडियोस देख के कन्विंस हो जाते हैं हाँ यार ये घर बड़ा सही लग रहा है, ये प्रॉपर्टी बड़ी सही लग रही है, और फिर इंक्वायरी के लिए वहाँ पर फॉर्म फिल कर देते थे या फिर फ़ोन घुमा देते थे। तो ऐसे में उनका ज़्यादा जो लीड्स ज़्यादा मिलने लगे, कन्वर्जन ज़्यादा होने लगे, तो रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा अब पैसे फूंक रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे। और इस रियल एस्टेट से रिलेटेड इतने चैनल्स भी नहीं है, तो अगर आप शुरू करते हो रियल एस्टेट वाले फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस पे अफराद कंटेंट बना सकते हो, भाई 5 करोड़ का बंगला, 2 करोड़ का ये फ्लैट, ऐसे ऐसे चीज़ें आप बना सकते हो।
और यहाँ पर पैसे कमाने के जो तरीके हैं मैं बताता हूँ, YouTube CPM तो है ही है भाई, उसके अलावा अगर आपके थ्रू इंक्वायरी होती है और किसी ने घर खरीद लिया तो 1-1% तक कमीशन मिलता है, 0.5% से लेके 1% तक कमीशन, मतलब अगर 1 करोड़ का घर सेल हुआ तो 1,00,000 रुपये आपके जेब में आ गए भैया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं SEO ब्लॉगिंग, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अभी देखो ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो चुका है, लेकिन इसमें जो कंटेंट बने हैं ना ब्लॉगिंग में ज़्यादा बने हैं, मतलब आर्टिकल्स ज़्यादा है लेकिन वीडियो कंटेंट काफ़ी कम है, और एक्सपर्ट्स के थ्रू तो और कम है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो SEO एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट्स हैं, अभी देखो हमारे चैनल पे आते हैं तो जितना मुझे नॉलेज था उस तरीके से मैंने बताया, उसके साथ साथ मैंने काफ़ी एक्सपर्ट्स को भी मैंने बुलाया, तो SEO ब्लॉगिंग वाले पे काफ़ी ज़्यादा पैसा, उसका भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अभी देखो पवन अग्रवाल सर है ब्लॉगिंग में कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, प्रीतम नागराले सर जिनके 6 महीने में ही 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उमेर कुरैशी जो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बना के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो सोचने की बात नहीं है कि यार मैं कोई US टारगेट कर रहा है, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ US में ही टारगेट करके पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इंडिया में भी पैसे कमा सकते हो। यार कौन से ज़माने में जी रहे हो, गाँव तक इंटरनेट हो गया है, गाँव तक लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो बनाओ यार, कंटेंट की बहुत कमी है, अच्छे कंटेंट की, माफ़ कीजिएगा, अच्छे कंटेंट की कमी है, कचरा कंटेंट तो सारा पूरा भरा पड़ा है इंटरनेट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेक मनी ऑनलाइन, जो हमारा चैनल है सतीश के वीडियोस मेक मनी ऑनलाइन के अराउंड हम कंटेंट बनाते रहते हैं, इस पर काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है मुझे, अगर 1 मिलियन व्यूज मुझे आते हैं तो आराम से $2,000 से $3,000 मुझे महीने के बन जाते हैं, अगर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि काफ़ी कम व्यूज में भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस पे या फिर मार्केटिंग के अराउंड अगर आप कंटेंट बनाते हो, जैसे हमारे साहिल खन्ना जी बनाते हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज के फाउंडर, तो इनको भी काफ़ी डिसेंट सा जो मुझे RPM मिलता है उनको भी वही मिलता है। मैंने उनसे एक बार बात किया हुआ था कि सर आपको क्या RPM आता है ज़रा बताओ, ऐसे ही देखो मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स लोगों से बात करता रहता हूँ और वो लोग बताते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इतना RPM आता है, तो उनको भी जितना मुझे पैसे आते हैं यूट्यूब से उतना उनको भी आते हैं, मतलब उसी रेट के आसपास आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो लड़कियाँ हैं, सोच रही है यार लड़कियों के लिए कुछ तो बताओ, ब्यूटी लड़के भी कर सकते हैं जिनको फैशन वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा झारने बाहरने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो लड़के भी बना सकते हैं ब्यूटी के ऊपर, ब्यूटी नहीं मतलब हम जैसे लड़कों के लिए आप कंटेंट बना सकते हैं कि कैसे ग्रूम होए, कैसे बढ़िया दिखे, इस पर भी काफ़ी बढ़िया RPM मिलता है। और यहाँ पर भी जो स्कोप है पैसे कमाने का, अफिलिएट है, लोग खरीदते हैं भाई, लोग खरीदते हैं, आज भी लोगों को बिलीव है कि क्रीम हमको चमका देगा, समझ रहे हो, हमारा क्रीम हुआ कहाँ गया जी, मैं कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाता, तो आज भी लोगों को बिलीव है कि क्रीम चमका देगा, फेस पैक चमका देगा, हालांकि देखो कुछ स्किन रूटीन्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बिकते तो आप मामा अर्थ खाली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके इतना बड़ा कंपनी नहीं बन जाता, वाओ वाओ जो है इतना बड़ा ब्रांड नहीं हो जाता सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, क्योंकि बिक रहा है यार, ये चीज़ें बिक रही हैं, आप समझ रहे हो, तो पैसा बहुत है। इसके अलावा जो और अब मैं आपको बोनस अगर बताना चाहूँ तो पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग अलग चीज़ हो गया, पर्सनल फाइनेंस अलग चीज़ हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अंकुर वारी को, जो एक कंटेंट बनाते हैं उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के अराउंड बनाते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए कंटेंट बनाते हैं और अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, कब हमें घर लेना चाहिए, कब हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए, हमें गाड़ी लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, हमें फ्लाइट्स खरीदने भी चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कैलकुलेटिव वीडियो बनाते हैं, तो उस तरह के कंटेंट को हम बोल सकते हैं पर्सनल फाइनेंस। म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, FD में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप समझिए उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत आप वीडियोस बना सकते हो। और पर्सनल फाइनेंस में भी जो यूट्यूब का जो RPM है काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यार जब पैसे की जब बात हो रही हो ना तो बहुत तगड़ा पैसा बनता है, जैसे इस वीडियो में भी बहुत तगड़ा पैसा बनने वाला है हमको जितना पता है, क्योंकि पैसे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बोनस में आपको कुछ निश्चय बता देता हूँ जिनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है, जैसे हो गया कि कार रिव्यूज़ हो गए, गार्डनिंग हो गया, इसके अलावा अगर बात करें कि कोडिंग हो गया, AI VR हो गया, AI VR का मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR का मतलब हो गया कि वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब का भी बड़ा स्कोप है, मशीन लर्निंग, आप समझ रहे हो, ये सब थोड़े जो टेक्निकल वर्ड आपको लग रहे हैं इस पर भी बड़ा स्कोप है और इस पर भी काफ़ी अच्छा हाई CPM आपको मिलेगा। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो बनाओगे बहुत तगड़ा आपको RPM मिलेगा, वीडियो के आप जो भी अगर आप चैनल ओपन करते हो तो। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यार मैं जो टॉपिक पे सोच रहा था बनाने को इसमें नहीं है तो वो अच्छा टॉपिक नहीं है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी, आप
अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज है, तो उस टॉपिक पे आप चैनल बनाओ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ, जैसे मैंने बोला कि हमारा अल्टीमेटम क्या है, पैसा, उसके मकसद से मैं बता रहा था कि अगर आपको पैसे बनाने कम व्यूज में, तो ये जो टॉपिक से काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आपको और भी ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। वीडियो तो ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बना रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे आर्टिकल डालूंगा, तो आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो और वहाँ से आपको 500 आइडियाज़ मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल शुरू करने के, और आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो इस 2022 में, और अगले 6 महीने में आप 1,00,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हो अगर आपने सही से काम किया तो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, जो भी YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं उनको भेजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ यार, इस तरह के चैनल्स में काफ़ी पैसे हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना, क्योंकि यार एक तो बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आप पैसे देकर भी आपको नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं जो दिखने में तो हमारे आपके जैसे हैं, लेकिन बहुत मचा रहे होते हैं, बहुत पैसा छाप रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको हम फीचर करते हैं यहाँ पे। तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो, और हाँ, क्रिप्टो में निवेश करने के लिए CoinSwitch ऐप को डाउनलोड करें, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन बिल्कुल मुफ्त।